ले चल गई है, पूरा कवर कर ले, वहाँ पहुँच सका रही थी। ठीक है, कोई स्पीकर आ जाए यहाँ पे, गेट पर जाया जाएगा, गेट पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये जो है चार दिन से मामला चल रहा है और चार दिन से पुलिस प्रशासन की नाकामी हम देख चुके हैं और गेट पर जाया जाएगा, गेट पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। वालों की कर रहे हो, पुलिस मैनेजमेंट की कर रहे हो, उस प्रकार से उस पीड़ित की भी सुरक्षा करी है, हैं? इस प्रकार से उसे जो है घसीटते हैं, सीढ़ियों से लाए हैं, अब बुलाओ कितने बड़े ताकतवर और कितने बड़े गुंडे आए हैं। साले मैं इसमें पुलिस में आग ही लगवा दूंगा। पुलिस स्टेशन कहा था, ट्वीट करके कहा था ये बात, कि अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं की। हेलो हेलो हेलो, मैंने बिहार से ही कहा था, बिहार की तरफ से आने को मजबूर ना करें, ना करें, और इतने हल्के मरले में बहुजन समाज के लोगों को जो भी आओ ना साला गाजर मूली की तरह काटने की कोशिश करेगा। अब इतने हल्के मरले में चाहे कोई भी हो, और ये कोई वाला अगर अंदर को ज्यादा बड़ा साफ करता हो तो आ जा सकते हैं, आर पार की काला लकीर खींचे, हम तैयार हैं, यहां रहे, यहां रहे, यहां रहे। हम अपने धरने को अंजाम देंगे, गेट के सामने जाएंगे, गेट सामने प्रदर्शन करेंगे, अपना जो काम है।
कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम करें। आप सब वादा करते हैं एक भी बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ने का काम नहीं करेगा। संवैधानिक दायरे में अपना धरना प्रदर्शन, संवैधानिक दायरे में करेंगे। आज तक जितने धरना प्रदर्शन हुए हैं बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो कितने लोग अरेस्टिंग करने के लिए तैयार हैं? हमें इतनी दूर हमारी ड्यूटी लगाई गई, हम जो है 1300-1400 किलोमीटर का दोबारा सफर तय कर आए। देखिए जो भी होगा गेट पर होगा, मैं तो या तो ये जेल भेजा अगर हम गलत कर रहे हैं, और यह गेट पे होगा प्रदर्शन। मैं अपनी बात से हटने वाला प्रदर्शन गेट पर होगा, किसी प्रकार की किसी जाएगी हमारा वादा है। लेकिन उस कॉलेज वाले को भी तो लगना चाहिए आराम खोर को जो एसी में बैठा है कि तेरे बाप भी रहे यहाँ, उससे भी तो लगना चाहिए। तीसरा मामला प्रशासन को, लेकिन मैं प्रशासन के लोगों को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, कुछ प्रशासन के अंदर भी घूसखोर लोग हैं, लेकिन उन्हें ही बहका सकता है, ईमानदार पुलिस वालों को बहका नहीं सकता है। और पहले भी एक मामला एक लड़की का हुआ है, एक लड़की जो मानसिक रूप से प्रताड़ित करी उन लोगों ने, वो भी विदेश की बच्ची थी, एक बिहार का बच्चा था, उसे प्रताड़ित करा इन लोगों ने। तो आप चाहते हैं कि रोड शाम तक बंद रहे, तो मैं इच्छुक हूँ रोड बंद करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, पर इसे नहीं करूंगा, उसको करूंगा वो चल रहा वहाँ, सीधी बात है। और प्रशासन ये संज्ञान से निकाल दे बात की, मैं किसी बात को डर का कह रहा हूँ, चैलेंज से कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं डरता नहीं किसी भी प्रकार से, जाऊंगा तो गेट पर जाऊंगा, गेट पर अगर देश के अंदर मुसलमान ना होता तो आधा प्रवासी मजदूर भूखा मर जाता रास्ते में, सही है, आधा प्रवासी मजदूर भूखा मर जाता, क्योंकि इन्होंने मोटे मोटे पेट वालों ने अपना घर भरा, समाज और देश के लिए कुछ नहीं करा। ये तो मुसलमान इस देश में था तो ये मजदूर जो है सही सलामत अपने घर भी पहुंच गए हैं। चलो भाई कोतवाल साहब, चलो जी वही होगा पुतला दहन, सुन लो मेरी बात, चलो भाई चलो सुन लो, सुन लो यार, आप अपनी पूरी बात रखिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी बात आपकी बात तो सुन लो, पर ये है कि आपका हमारा कोई टकराव नहीं होना चाहिए, हमारा कोई टकराव नहीं होना चाहिए, जहाँ पर पुलिस रोकेगी लोकतंत्र के तहत आपको वहाँ रुकना पड़ेगा, गेट पर पुलिस पुतला दहन करूंगा, गेट पर रुकेगी, आप पुतला दहन भी करिए, उसके विरुद्ध नारेबाजी भी करिए, आपको अधिकार दे दिया लोकतंत्र, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये किसी की वजह से कोई दिक्कत, पुलिस की हमारी बड़ी दुकान की भी है, पुलिस का साथ दे रहा हूँ, आपका प्रोटेक्शन करना भी है, उसका प्रोटेक्शन करना भी है, उस बच्चे का प्रोटेक्शन करने का भी, उसके खिलाफ आप बच्चे का प्रोटेक्शन कीजिए, इसका मोटे पेट वाले का मत कीजिए, करवा देगा इसके चक्कर मना पड़ो, अरे हम किसी के चक्कर में नहीं पड़ो, बच्चों को खाना भी नहीं रहा था, हमने खाना दे दिया, देखिए कोतवाल साहब यहाँ बेकार में टाइम बेकार में टाइम वेस्ट करे से, और यहाँ धीरे धीरे जो है कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की जो है भीड़ बढ़
की जा रही है, आपको पता भी है, फिर जो है मैं भी मजबूर हो जाऊंगा और मैं इनकी बात को कभी भी नामंजूर नहीं करता हूँ। ये लोग खड़े हैं, फिर जो ये कह देंगे वही होगा। अन्य प्रदर्शन मजबूर कर दिया। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, चलो मैं यहीं से चला जाऊंगा, चलो मैं यहीं से चला जाऊंगा एक बार, बस मुझे नहीं, मेरे चार लड़कों को छूट दे दो, उसमें पेट वाले को ऐसी सीढ़ियों से घसीटते हुए लाओगे, ऐसे ही मारेंगे हम चले। ये कौन सी राजनीति है, कौन सी रणनीति है? एक विदेश का बच्चा जो है हमारे देश में, ये तो कलंकित है, आप उठाकर देख लीजिए ट्विटर हिस्ट्री दिखाऊं, यूएनओ तक के मैसेज है, मेरा मोबाइल दिए जरा आपको हिस्ट्री दिखाऊं, ट्विटर का नोटिफिकेशन देख लीजिए, आप ट्विटर खोल के देख लीजिए विदेशों को लोग कितने उसके समर्थन में है और कितनी हमारे देश की धुतु हो रही है। इस देश का प्रधानमंत्री और तो खरबर उपाय जो है विदेश में यात्रा करने पर घूम खराब कर देता है, क्या यही है उसका यात्रा करने का, वो कि विदेशों के लोगों को यहाँ टारगेट करके रंग भेद करके इनमें जाति भेद करके पिटवा देना। यार विदेशों में हमारी नाक नीची होगी, हमारे देश की, यहाँ के प्रधानमंत्री का हमने नाक ऊंची कर दी देश की, विदेशों का खराब कर रहे हैं। अरे तो परेशान जन समाज के लोग ही बहुत कर, इतने इन्होंने ही बहुत साइन कर लिया, अब विदेशों वालों को भी टारगेट करने लग गए। ये देखो ये आईसा का ट्यूट है, ये विदेश का ट्यूट है, ये यहाँ ट्यूट है, तो आप देख लो, आप इस मामले को छोटा ना समझे, इसकी तत्काल अरेस्टिंग करें। मान्यवर मेरी बात सुने आप, अरे परवेज एक मिनट रुक जा, अब मैं ही बात करूंगा, इसकी तत्काल अरेस्टिंग कब कर रहे हैं गुप्ता जी की, कौन है ये? सही बात है, आज होनी चाहिए, आप जो है इसकी तत्काल अरेस्टिंग करें, तत्काल इसे जेल भेजें, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि प्री प्लानिंग मामला है, ये ऐसा नहीं होता है आकाया कोई पीट के चला गया, ड्रेस कहाँ से आई, यूनिफॉर्म जो है गार्ड की यूनिफॉर्म नहीं दी गई वो कहाँ से आई, डंडे कहाँ से आए, ये प्लानिंग कहाँ से करी गई, ये प्री प्लान मामला है, इसमें इस कॉलेज का मालिक तक इन्वॉल्व है, तो मालिक को जेल भेजो ना। जब कोई उदाहरण दे दूं, जब कोई भीम आर्मी के कोई आंदोलन होता है और इस आंदोलन में कोई भी ऊक चूक हो जाती है प्रशासन की तरफ से, हमारी तरफ से सबसे पहले उठाओगे चंद्रशेखर को जेल में कर देंगे, तो जो वहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी हो सबसे पहले उन्हें करो ना, आपके कहने से, तो सबसे पहले जेल में इस मालिक को भेजो। अब देखिए कोतवाल साहब, अब हम गेट पे जाने दे, उतरने पर मजबूर ना करें आप, मैं तो समझने का नहीं, मैं बहुत समझ ली, मेरे समझने वाला फ्यूज उड़ गया, समझने वाला नहीं। ये तो कॉलेज भी सरकार पे तो लोंग लेके खड़ा कर रखा, ये मोदी ने ऐसे कोई तो छूट दे रखी, कभी नीरव मोदी, कभी कभी अडानी, कभी अंबानी, अभी इसका नंबर है, सभी विदेश भेज देगा, ये डिग्री भी फर्जी है सारी, तो इसके फॉर्च्यूनर के लायक नहीं है, इसे साले को अपने पैरों की जूते भाई ठीक रहो, देखो भाई जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे, बैठो चलो निकलो चलो, मेरी भी एक सीमा है और इस सीमा को मैं लांघूंगा नहीं, प्रशासन जो चाहता है उस प्रकार से मैं काम बिल्कुल नहीं करूंगा, गेट यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर दूरी जाकर वही आंदोलन होगा, वही पुतला दहन होगा, यहाँ फर्क पड़ जाएगा, उसका तो नाक जो है ऊपर हो जाएगा कि मैंने अपने कॉलेज के गेट तक नहीं आने दिए। सामने तो इसके सूबे के मुख्यमंत्री किंचन ने की, साफ सीधी बात है, कॉलेज के गेट पर जाएंगे तो जाएंगे, हम मजबूर ना करें, ये गाड़ियां से लगा इसे नीचे रख ले भाई,
इसे नीचे रख ले सर, तू उठा रहे वाहन का रास्ता खाली करवा दे। प्रमोद रास्ता खाली करवावे। नहीं प्रजातांत्रिक तरीके से क्या हम संवैधानिक दायरे में रहकर करें, लेकिन करेंगे वहां गेट के सामने। फिर तो आप अपनी कार्रवाई करें, आप स्वतंत्र हैं और हम अपनी कार्रवाई करते हैं, हम स्वतंत्र कर लो, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि आपके दायरे में होगा लेकिन गेट पे हम हमारी सुनो, सारे लड़के सुनो, देखो गेट पर तो हम जाएंगे जरूर और पुतला भी दहन करेंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरे से बाहर रहकर कोई बात नहीं करे। संबोधित कर रहे हैं भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखो आम से रोड से बड़े ही संवैधानिक मानकों को चलना है और कानून को मानते, कानून का पालन करते हम लोग चलेंगे। और मेरा मास और वो दे दे। हेलो, काम से सारे काम हो गए। हेलो, सुन लीजिए, हम आपके सहयोगी हैं और आपके संवैधानिक दायरे में आप जो भी बात करना चाहते हैं प्रजातंत्र के अंतर्गत, आप किसी का पुतला दहन करना चाह रहे हैं, कोई अलोकतांत्रिक चीजें हो रही है उसके विरुद्ध आप बात करना चाहते हैं, हम आपके सहयोगी हैं। हम कभी हमेशा रहे, आज भी रहे हैं। आपके कई बार प्रदर्शन होते हैं, कई बार धरने होते हैं, हम हमेशा आपके कंधे से कंधा मिला के आपका साथ हैं। और बिना हमारे आपका मीटिंग कोई ना करियो, आपका प्रदर्शन हम है तो आपका प्रदर्शन है, आप हो आपकी बात मानते हैं इस बात को, तो आप अपनी बात कहिएगा। ठीक है, हमें भी जो काम हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए मुकदमा कायम किया गया है। उसमें जैसे मैंने एसओ साहब से पूछा, इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, इसमें प्रॉपर एविडेंसेस हैं और इसमें जो भी डायरेक्टर लेवल के, उनके रजिस्ट्रार लेवल के सबकी अरेस्टिंग हो चुकी है। आपकी आपकी बात को मैं मानता हूँ, अगर मालिक अरेस्टिंग हुआ है वो भी अरेस्ट हो गया, वो कोई कानून से बाहर नहीं है, कोई कानून से बढ़ के बाहर नहीं। कुछ सेक्शनों पे ये कह रहे थे कि भाई 308 भी लगे, अभी प्रमोद कह रहे थे, तो आपकी शायद जानकारी नहीं, सब 308 ही लगी है, वो 308 लगी उसका वो तो तहरीर के अकॉर्डिंग होता है, उसकी जैसी तहरीर होगी। एक बात सुनो, आप तो समय क्यों नहीं, आप अपनी बात करिए, हमने अपनी बात रख ली। एक तो सर मालिक को जाइए जल्दी जल्द, हमने अपनी एक मालिक सिकंदर गुप्ता लड़का पुतला दहन करिए, कौन मना कर रहा है आपको? हमारी भी कुछ मर्यादा है, कौन मर्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। दूसरा, इंस्पेक्टर साहब ने आपको पूरी बात बता दी कि एक घटना हुई, घटना का पुलिस ने संज्ञान लिया, तहरीर आई, मुकदमा कायम हुआ, जो संबंधित लोग थे वो जेल गए, इसके बाद भी जो नाम प्रकाश में आएंगे वो जाएंगे। अभी तक आप जो आए हैं एफ जी के नेतृत्व में, आप अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए आए हैं, हमने एक जगह निर्धारित की है और ये चीज आपको माननी पड़ेगी। आए आप आकर के जो भी चीजें हैं आपकी आप करिए, आप इनसे संबोधित करते हैं संबोधित करिए, लेकिन हमने यहाँ पे बैरियर लगाया है, सोच के लगाया है, हमें व्यवस्था बनानी है और व्यवस्था बनाने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहीं पे
जो भी आपका प्रतीकात्मक रूप से संदेश है वो देने का प्रयास कीजिए किसी भी तरीके की। अगर आप टकराव की स्थिति लाएंगे या धक्कामुक्की की स्थिति लाएंगे वो आपके हित में नहीं। आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय कर्तव्यों का भी रखें। आप आए हैं, आप आकर के अपनी बात रखिए, आप जो भी सांकेतिक संदेश देना चाहते हैं वो दीजिए। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो उसमें कमियां होंगी, जो लोग बचे होंगे जिनके विरुद्ध प्रॉपर एविडेंस होगा हम उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, लेकिन इस तरीके से ठीक नहीं है। हैं? जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, बात ऐसी है, आपने अपने सिस्टम के हिसाब से, अपनी सेफ्टी के हिसाब से बैरियर लगा दिया है और हमने आपको आश्वासन दिया है कि हमारा कोई भी लड़का गलत नहीं करेगा किसी भी प्रकार से। पुतला दहन तो मैं वहीं करूंगा, या तो अरेस्टिंग होगी या पुतला दहन होगी। अब आपकी मर्जी, आप क्या करना चाहिए? हम टकराव की स्थिति बिल्कुल, आप तो एक व्यक्ति की सेफ्टी कर रहे हैं, उसके अगर घर के सामने हमने पुतला दहन कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है? आपके आपका काम बहुत बढ़िया बात है, आपका काम की सेफ्टी करना है, आप कीजिए। देखिए मेरी बात, उसके गेट पर करा होगा और आज हमें पुलिस प्रशासन मजबूर कर रहा है, पुतला दहन तो गेट पे ही होगा माननीय। अब आप हमें बताएं, हम आगे बढ़े पुतला दहन करने दे रहे हैं या फिर हम लोगों के अरेस्टिंग ले रहे हैं? तो फिर सबको जेल में भर दो, तुम कोई बात नहीं है मोनू भाई। राम जी एक काम करो, अध्यक्ष जी का फोन मेरे पास है, वीडियो बनाओ। घर में फोन कर रहा था, आपका संदेश नहीं, आपका संदेश यहाँ से उतना ही जाएगा जितना चार के दो भागे जाने से जाएगा। आप
का भोगने के लिए तीन मामले ऐसे हुए हैं, वो भी विदेश के बच्चे हैं। एक लड़की को इतना नशा था और एक तीन लोगों ने वो बच्ची यहाँ से पागल हो गई है। उनके ये जो घटना हुई और जिसने भी किया यार हटाओगे बैरियर। हम लोग यहाँ कहाँ कर रहे हैं हमारा सहयोग? कांग्रेस वालों ने कराया तुमने कल सहयोग, हमारा कहाँ करा है? बाबा बोतल कहा हुआ फोन वो चल रहा है, लाइव चल रहा है यार। अकरम भाई वो बेफिक्र चाल बहुत सही तो बढ़िया बढ़िया तैयार हो गया। Thank you.
का बैरियर कैसे लगा सकते हैं? मुझे मैनेजमेंट है ना उसी के साथ सुरक्षा की उसके गेट का बैरियर लगाइए। रवि भाई अध्यक्ष जी का फोन लड़कों ने अध्यक्ष जी का फोन है वीडियो बढ़ा दो सारी बात माननी जा और किसी को नहीं जा रहा।